देखिए, ओवरऑल फिटजी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जैसे पहले रहा करता था। इस बार भी रैंक 1268, ऑल इंडिया रैंक 1268 जेई एडवांस में आए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम लोग काफी उत्साहित हैं। सर, अब लगातार देश भर में पेपर लीक को लेकर तमाम बवाल मचा हुआ है, नीट से लेकर नेट तक के। ऐसे में एक बार फिर फिटजी ने तमाम बच्चों को उम्मीद दिखाई है, जेई में ऐसा कुछ हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? बच्चों पर प्रभाव कुछ पड़ता है क्या सर? नहीं, पेपर लीक तो किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और सरकार को चाहिए, पूरा मीडिया को चाहिए कि सभी को इस पर अलर्ट हो करके और पूरे समाज को इससे सावधान रखे और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सर, एक नैरेटिव चल रहा है लगातार कि सभी पेपर लीक हो रहे हैं, क्या ऐसा है सर? हमने जेई में नहीं देखा। नहीं, जेई एडवांस में तो पेपर लीक कभी अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। बहुत पहले कभी सुना था, जो हुआ होगा 30 साल पहले हुआ होगा, लेकिन आज अभी तक तो नहीं हुआ है। अजेवी एडवांस है कि बहुत ही रिपूटेड एग्जामिनेशन है। सर, केंद्र सरकार कर रही है, वो लगातार तमाम प्रयास कर रही है, एनटीए के डायरेक्टर को हटाया गया, सीबीआई जांच दी गई, आप उम्मीद करते हैं कि अब सिस्टम बदलेगा, जो छात्र हैं उनको परेशानियां कम होंगी? नहीं, सिस्टम जरूर बदलेगा और अभी के गवर्नमेंट इस पर काफी एक्शन ले रहे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सिस्टम काफी बदलेगा और अच्छा हो जाएगा। सर, उन तमाम छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो देश भर में कोचिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, आप एक डायरेक्टर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग एक ऐसा जगह है जहां पर बच्चे को एकेडमिकली काफी हेल्प मिलता है, इसलिए बच्चे आते हैं। यहां पर पढ़ाई का ही वातावरण रहता है और खास करके फिटजी में बच्चे टेंशन फ्री माहौल में पढ़ते हैं और वो काफी आगे करते हैं। अच्छा सर, जो छात्र जिन्हें सफलता नहीं मिली उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? नहीं, जिनको सफलता नहीं मिली तो फिर जो मान लीजिए 12th पास है उनके लिए तो जेई एडवांस में अब स्कोप नहीं है, लेकिन दूसरे फील्ड में जनरल लाइन में भी कर सकते हैं और जेई के अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से कि वो काफी अच्छा कर सकते हैं। और जॉब में यदि अच्छा करते हैं तो वो एक्चुअल अच्छा माना जाता है।